हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजिलाइट इंस्टीट्यूट पर। और आज हम करने जा रहे हैं हिमाचल के जनवरी से लेके अक्टूबर तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और मेरे जो बाकी के वीडियोस हैं, इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, और इनके जो पीडीएफ हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, सोलन स्थित ई नाम मंडी बेहतरीन कार्य करने के लिए देश भर की मंडियों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो देश भर में हमारे सोलन की जो मंडी है उसने स्थान जो ग्रहण किया है वो किया है फर्स्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जिले में एक ईंट शहीद के नाम अभियान के तहत जन सहयोग से हिमाचल प्रदेश का पहला भव्य हाईटेक शहीद स्मारक जो बनाकर तैयार कर दिया गया है? तो कहाँ किया गया है ऐसा? तो ये किया गया है बिलासपुर। एक ईंट शहीद के नाम, मतलब कि जनता से सहयोग लेके शहीदों के जो हैं वो भव्य स्मारक बना रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, प्रदेश के खुम्ब उत्पादकों को संगठित करने के लिए प्रदेश का पहला कृषक उत्पादक संगठन कहाँ गठित होगा? तो आपको पता है खुम्ब नगरी, मशरूम सिटी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सोलन को। और जो खुम्ब उत्पादकों को संगठित करके यहाँ पे पहला उत्पादक संगठन बनाया जाएगा, तो ये भी किया जाएगा आपके सोलन में। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में हिमाचल प्रदेश के किस जिला को प्रदेश में पहला पुरस्कार मिलेगा? तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण, पंचायतों की सशक्तिकरण कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है जी। ऊना डिस्ट्रिक्ट, ऊना में काफ़ी कुछ किया गया है, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, शिवा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन किया गया है। ठीक है। और दालचीनी की खेती स्टार्ट यहाँ पे की गई है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो तो चलो पूरे हिमाचल में जल जीवन मिशन जो है स्टार्ट किया गया है। तो ये सब कुछ जिला में चला हुआ है। और प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम यहाँ पे बन रहा है, जो बंगाणा के अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में बन रहा है। तो ये सब कुछ ऊना में चला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन ने किसको हिमाचल गौरव पुरस्कार के लिए नामित किया है? ये सिर्फ नामित किया है, तो ये आपके ऑप्शन है दोनों ही, विद्यानंद सरैक और बाबा इकबाल सिंह, इनको आफ्टर डेथ मिल रहा है। तो आपकी राइट ऑप्शन जो है वो है सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अब 9 to 12th जो है वो आपकी संस्कृत में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, गीता सार जो है वो पढ़ाया जाएगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी। और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है PMGASY के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची में हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों ने जगह बनाई है? तो ये बनाई है आपके हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों ने, दैट इज़ योर 4 जिले। और वो जिले कौन से हैं? मंडी, कांगड़ा, चंबा और शिमला। तो ये 4 जिले हैं। नेक्स्ट आपके पास, हिमाचल प्रदेश में कब से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन का टीका लगाया गया है? तो इसके ऑप्शंस है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो कब किया गया पूरे बच्चों को वैक्सीन, कब लगाई गई छोटे बच्चों को? तो ये लगाई गई मार्च में। तो राइट आंसर इज मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट कई शहरों की सूरत संवारेगी? तो कितने करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ये करेगा? तो ये है आपकी ऑप्शन बी, दैट इज़ योर 2906। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ADB ने
जल जीवन मिशन के लिए भी हमें पैसे जो हैं हिमाचल को दिए हैं। अच्छा, एडीबी की बात करें, एडीबी इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस जो कि मनीला में है, फिलीपींस जो कि मनीला में है। और इसके जो हेड हैं उनका नाम है तो ये नाम है मसाटसुगु असाकावा, ठीक है, तो ये उनका नाम है, ये इसके हेड हैं एडीबी के। और जो ये एडीबी बैंक है ये जापान डोमिनेटेड बैंक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे किस कंट्री की है, शेयर किसका है, वो है जापान की। हाल ही में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने कब प्रदेश का दौरा किया, तो इतना फंड हिमाचल को दिया गया है एडीबी के द्वारा, तो इन्होंने कब दौरा किया था, तो इन्होंने किया था मार्च 2022 में। हाल ही में संजय गौतम को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है, इनका संबंध प्रदेश के किस स्थान से है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पुलिस पदक जो है वो दिया गया है, ये है नाहन से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरहर्ष सिंह 30 ने संघ लोक सेवा आयोग के IFS के प्रशिक्षण में बेस्ट अधिकारी की ट्रेनिंग के लिए राष्ट्र गोल्ड मेडल हासिल किया है, इनका संबंध, ये IFS जो हैं वो बन गए हैं UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके। और इसके बाद ये पूछा गया कि उनको ट्रेनिंग जब हुई तो बेस्ट ट्रेनी अवार्ड मिला है, और ये कौन से ज़िले के हैं, तो ये हैं आपके कुल्लू ज़िले के। तो इसको कई बार घुमा के भी पूछ सकते हैं कि किसे हाल ही में हिमाचल से, ठीक है, IFS का एग्ज़ाम क्लियर करके बेस्ट ट्रेनी का राष्ट्र का गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो उनका नाम पूछ सकते हैं, तो वो है गुरहर्ष सिंह, ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर नए साइबर पुलिस थाने बनाए जाएंगे, तो साइबर पुलिस थाने हिमाचल में बनाए जाएंगे टोटल 10, अभी जो हैं कंप्लीट हुए हैं 3, उनमें से 2 हैं मंडी और धर्मशाला, और तीसरा जो है वो है शिमला, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। केंद्र सरकार ने देश के पहले रोलिंग क्रैशर बैरियर का ट्रायल कहाँ पे किया है, अब रोलिंग क्रैशर बैरियर क्या होता है, जैसे आपको पता है कि रोड के साइड पे, ठीक है, पैराफिट बने होते हैं, तो पैराफिट में अगर डायरेक्ट कार या कोई व्हीकल टकराएगा, कोई भी व्हीकल टकराए, तो वो व्हीकल को चोट ज़्यादा पहुँचती है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो हमारे पैराफिट लगेंगे उनमें ड्रम जैसे एक गोल गोल ड्रम जो हैं जो मूवेबल होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लगा दिए जाएंगे, तो क्या है कि गाड़ी इनसे टकरा के जाएगी तो वो घूमते जाएंगे जिससे कि नुकसान गाड़ी को कम होगा, तो ये कहाँ पे किया गया है, रोलिंग क्रैश बैरियर का ट्रायल जो है वो हिमाचल में किया गया है आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो वो है सिरमौर, और सिरमौर में कहाँ पे किया गया है, वो किया गया है नाहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्नो मैराथन होने जा रही है, पहली स्नो मैराथन होने जा रही है, तो ये आपको पता है स्नो आपके जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कुछ एरियाज़ में मिलती है, तो मैराथन जो है वो हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की किस नगर परिषद को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे प्रदेश भर में 5 स्टार अंडर गार्बेज फ्री सिटी घोषित कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट वन, तो ये किसे किया गया है, तो ये मंडी के सुंदरनगर को किया गया है, इस नगर परिषद को स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे प्रदेश भर में 5 स्टार अंडर गार्बेज फ्री सिटी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रसाद योजना जो हाल ही में खबरों में थी किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत शुरू हुई थी, तो प्रसाद योजना जो है वो बेसिकली टूरिज्म के लिए है, तो ये स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का पहला बहुदेशीय वर्षा संचयन बांध कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपके ऊना में, ऊना के समूर में यहाँ पे ये बनाया गया है।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांग आवेदकों के लिए निवेश सब्सिडी कितनी कर दी गई है? तो कितनी कर दी गई है इन्हें, इनके लिए सब्सिडी जो है वो कर दी गई है हमारी तरफ से, हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्थानीय युवाओं के कौशल के लिए, स्थानीय युवाओं के कौशल वृद्धि के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका जो है वाकनाघाट में, ठीक है। कौशल वृद्धि के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र जो है वो वाकनाघाट में स्थापित किया गया है। हाल ही में किसे किसको AVYAM योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन द्वारा हिमाचल में योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक लड़की हैं जिनका नाम है दिशा डोगरा। तो दिशा डोगरा को जो है, जो हमीरपुर से हैं, हमीरपुर में कौन सी जगह से हैं, ये चौरी, चौरी जगह से हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर जो है बना दिया गया है योगा का। अच्छा, जो सीमा ठाकुर हैं ये पहली बस चालक बनी हैं, बस ड्राइवर बनी हैं। रेणुका ठाकुर आपको पता है ये कौन है? तो ये आपकी क्रिकेट प्लेयर हैं, आजकल काफ़ी चमकी हुई हैं, हिमाचल की तरफ से बॉलर हैं। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हिमाचल प्रदेश सहित 5 राज्यों को 1887.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की राशि जो है मंजूर की गई है। इसमें हिमाचल का हिस्सा कितना है? तो इसमें हिमाचल को जो एक्स्ट्रा मनी मिलेगा अपने कोटे से एक्स्ट्रा, तो वो मिलेगा 21.37 करोड़। हिमाचल सरकार ने किस वर्ष नई राहें नई मंजिलें शुरू की हैं? तो नई राहें नई मंजिलें क्या हैं कि जो भी हमारे टूरिज्म के प्लेसेस हैं उन्हें जो है वो बनाया जाएगा, उन्हें और अच्छा बनाया जाएगा जिससे कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पराशर जो है उस पर जो है ये काम चल रहा है, जो टूरिज्म प्लेसेस में पराशर में क्या किया जा रहा है कि उसको सेटअप किया जा रहा है अच्छे से, वहाँ पे चीज़ों को बनाया जा रहा है जिससे लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रुकें। तो ये जो नई राहें नई मंजिलें जो है ये स्कीम स्टार्ट की गई थी 2018 से 19 वर्ष में। रंगरीक, जहां पे 2 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, रंगरीक जो है ये कौन से जिले में है? तो ये है आपके लाहौल एंड स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कितने विद्यालयों में पाठशाला आयुष वाटिका कार्यक्रम शुरू होगा? तो आयुष वाटिका क्या है? इसमें जो स्कूलों के स्कूल्स जो हैं, विद्यालय जो हैं हमारे, वहाँ पे आयुष वाटिका जो है ओपन किया जाएगा, जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड जो है प्लांट्स को उगाया जाएगा, ठीक है। तो ये कितने स्कूल हैं जहाँ पे ये कार्यक्रम किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 200 स्कूल्स में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये अभी जून में चेंज हुए थे और अब बन गए हैं, 27 में बन गए हैं हमारे अमजद हतेशाम सैयद, और ये 27 में हैं और इससे पहले जो थे ये 26 में थे, ठीक है। और ये काफ़ी कम समय के लिए रहे हैं, ये तो दो जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक तो मेरे 2-3 महीने के लिए जो हैं वो चीफ जस्टिस रहे हैं। देश का पहला राज्य जहां पर कृषि विभाग के माध्यम से प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। तो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए योजना जो है स्टार्ट की गई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। इसमें जो है प्राकृतिक रूप से जो है फसलों को पैदा किया जाता है और उसके लिए जो गवर्नमेंट है उनकी जो है वो सहायता करती है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत व्यक्तिगत किसान को कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी? तो इसके अकॉर्डिंग जो है खेत संरक्षण, तो काफ़ी अच्छी सब्सिडी जो है वो दी जाती है, वो दी जाती है 80% की, खेतों को बचाने के लिए।
नशे को रोकने के लिए बिना अपनी पहचान बताए मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी और उपयोग की सूचना पुलिस को बताने के लिए किस ऐप को बनाया गया है? पहले ऐसा था कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते थे तो आपको जो है बताना पड़ता था कि आप अपनी डिटेल्स बतानी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, अब आप डायरेक्ट ऐप पे जाएं जिसका नाम है ड्रग फ्री हिमाचल, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इनकी बिक्री यहाँ पे हो रही है। उसके बाद जो है सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा जो है ये हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है कि आप जो भी कार्य आपके एरिया में हो रहे हैं और आपके जो अधिकारी हैं अगर उस कार्य को अच्छे से नहीं करते हैं तो उसके बारे में आप सूचना जो है इस ऐप में दे सकते हैं। डीएनए डाटाबेस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिमाचल। तो डीएनए जो है इसका डाटाबेस बनाएगा। अब ये प्रदेश बन गया हिमाचल। हिमाचल जो है ड्रोन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। हिमाचल जो है डीएनए से डाटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बन गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का दूसरा रेशम बीज केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मंडी में, बीज केंद्र, ठीक है, सीड फॉर्म जो है यहाँ पे स्थापित जो है वो किया गया है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके सिरमौर में, एस्ट्रो टर्फ। और एस्ट्रो टर्फ मतलब कि एक ग्रीन घास की जगह प्लास्टिक वाला होता है, प्लास्टिक ग्रास होता है, वही बिछा दिया जाता है जो हॉकी खेलने में फ़ायदेमंद होता है और ग्राउंड की फीलिंग जो है पूरे अच्छे से देता है। तो पहला कहाँ पे बना है? ये पहला बना है ऊना जिले में। 2021 की राज्यों की रैंकिंग में हिमाचल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो हिमाचल को जो है वो रखा गया है आपका किस श्रेणी में? एस्पायरिंग लीडर, कौन सी श्रेणी में रखा गया है? एस्पायरिंग लीडर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का पहला एथनोबोटनिकल पार्क जो है वो कहाँ पर है? तो एथनोबोटिकल पार्क जो है ऊना में बन रहा है और ऊना के बंगाणा के अंदरौली में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र को किस राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना में शामिल किया जा रहा है? तो ये परियोजना है भारतमाला। भारतमाला के अंडर जितने भी हमारे औद्योगिक एरिया हैं हमारे पूरे भारत के, उनको नेशनल हाईवेज के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोस्ट जो है वो घट जाए और इससे कि फास्ट काम होगा। और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पहले 15-20 दिन में होता था वो अब 4 से 5 दिन में हो जाए, तो टाइम हमें फ्री मिलेगा, इससे बिजनेस को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो कितने किलोमीटर रोड जो है बन रहा है? तो 8,367 किलोमीटर इतनी बन रही है। और इसके लिए फंड जो है वो कितना डिनोट किया गया है? वो 10.63 लाख करोड़ जो है ये फंड जो है इसके लिए दिया गया है। तो इसमें अब पहले हमारा जो है नालागढ़ बरोटी वाला ये एरिया कनेक्टेड नहीं था, पर इसे भी अब कनेक्ट कर दिया गया है इस प्रोजेक्ट के अंडर। हिमाचल के किस जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है मंडी में। नेक्स्ट है उतराला होली सड़क बनाने से कांगड़ा और किस जिले की दूरी जो है वो कम हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी कांगड़ा और चंबा के बीच। तो कांगड़ा और चंबा के बीच जो है आपका एक रोड बन रहा है उतराला होली सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो ये है आपकी ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सी जो है वो है 2219%। तो 2219% जो है ये आपका राइट आंसर है।
सॉरी सी नहीं है, बी है, 25.19%। कोविड की पहली और दूसरी डोज का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य। तो कोविड की दोनों डोज लगाने वाला पूरे भारत का पहला प्रदेश है हिमाचल। अटल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो अटल आशीर्वाद योजना जो है वो किया गया था 16 फेब 2019। अब ये कौन सी स्कीम है, या वो स्कीम है जिसमें एक किट जो है न्यू बॉर्न बेबी को दी जाती है। अब आपने देखा होगा कि जब भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बच्चा पैदा होता है तो एक किट जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है, वो है ये अटल आशीर्वाद योजना, और इसका शुभारंभ 16 फेब 2019 को किया गया। सबसे पहले 75 अमृत सरोवर बना करके हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल बना है? तो ये बना है आपका सिरमौर जिला। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने जिलों के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स को जारी किया है, उसमें किस जिले को उत्तम श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है मंडी, और मंडी के ही जिले को गार्बेज फ्री जिला जो मतलब कि जगह जो है घोषित किया गया है सुंदरनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगा नवमी मेला किस जिले में मनाया जाता है, जिसे हाल ही में जिला स्तरीय मेला का दर्जा देने की बात की गई है? तो ये है आपका गुगा नवमी जो है सिरमौर में, सिरमौर की जो मेला है शिलाई में, उसको जो है जिला स्तरीय मेला घोषित करने की बात कही गई है। हिमाचल हेल्थ केयर योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष कितने तक का निःशुल्क इलाज जो है करवाया जाता है? तो ये है 5 लाख तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23 के तहत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को मौजूदा 1.80 करोड़ रुपए से बढ़ाने की घोषणा की है। कितना कर देंगे अब? 2 करोड़। तो हर एक विधानसभा क्षेत्र का जो फंड है वो अपना वो बढ़ जाएगा 2 करोड़ रुपए तक। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है, राज्य की वन रिपोर्ट के अनुसार बीते 2 सालों में कितने क्षेत्र का इजाफा हुआ है? तो ये हुआ है आपके 915 किलोमीटर स्क्वेयर का, इतना वन एरिया जो है वो बढ़ गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच प्लेस द मेडिकल डिवाइस पार्क इज बींग बिल्ट इन हिमाचल? तो हिमाचल में कहाँ पे मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके नालागढ़ में, मेडिकल डिवाइस पार्क। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत, बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि जो है वो दी जाती है? तो ये दी जाती है आपकी 21,000। अटल श्रेष्ठ योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए कुल्लू परिषद को कितना इनाम जो है वो दिया गया है? तो अटल श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत जो कुल्लू को अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है 2 करोड़, सॉरी 2 नहीं है, 1 करोड़। 1 करोड़ जो है वो कुल्लू परिषद को दिया गया है। 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 15%। तो 15% जो है लक्ष्य रखा गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने का। नारी को नमन योजना में हर साल कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे आपके 60 करोड़। और नारी को नमन योजना जो है वो गवर्नमेंट व्हीकल्स में मतलब कि गवर्नमेंट बसेज में लड़कियों को जो है औरतों को जो है वो 50% फेयर जो है वो देना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो सरकार पे करेगी किस फंड से, इस फंड से 60 करोड़ रुपीज़। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला बस चालक कौन है? तो ये हैं आपकी सीमा ठाकुर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी फूल मंडी जो है वो कहाँ पे बनी है? तो दूसरी फूल मंडी जो है ऊना में बनी है, और पहली जो है वो आपकी कहाँ पे बनी थी? वो बनी थी परमाणु में। हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है अजय कुमार। तो अजय कुमार इज द राइट ऑप्शन। पीएम स्वनिधि योजना को सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए हिमालय और उत्तरी पूर्वी राज्यों में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो पीएम स्वनिधि योजना के लिए हिमाचल प्रदेश को जो है अवार्ड मिला है। क्लियर है जी। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 56, नारी को नमन योजना, ये रिपीट हो गया है। राज्य आबकारी विभाग एवं नशा निवारण बोर्ड ने एक नया अभियान शुरू किया है जिसका नाम है, और इसका नाम क्या है, नशा नहीं जिंदगी चुनो। नेक्स्ट है अटल श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत बेहतरीन कार्य करने के लिए 2021 के लिए किस पंचायत को पहला पुरस्कार जो है वो मिला है? तो ये मिला है अर्की पंचायत जो सोलन में है। और यहीं पे आदि शिव धाम कहाँ स्थापित जो है वो किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आदि शिव धाम दारला पंचायत में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा गांव है जहां 100% जल पहुंचाया गया है? तो 100% जो जल पहुंचाया गया है टशीगंग। तो हिमाचल का सबसे ऊंचा जो है विलेज है, और यहीं पे इस बार 53 वोटर्स जो हैं इन्होंने 100% वोटिंग जो है वो इस बूथ पर हुई है 100%। और यहाँ पर एक उत्सव की तरह हमारे लोकतंत्र के इस पर्व को मनाया गया है, और वहाँ पे हर आदमी को खाना खिलाया गया और एक उत्सव की तरह वहाँ पे वोटिंग हुई है। और यहाँ पे बूथ में 53 लोग थे और 53 के 53 लोगों ने वोटिंग की है, और यहीं पे 100% जल जो है यहाँ पे पहुँचाया गया है तशीगंग। क्लियर है जी। उसके बाद है NIRF की रैंकिंग में IIT मंडी को कौन सा रैंक जो है मिला है? तो IIT मंडी को मिला है 39th रैंक। अच्छा, बलजीत कौर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बलजीत कौर जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, हिमाचल के कौन से ज़िले से संबंध रखती हैं? तो ये रखती हैं सोलन से। और इन्होंने इनके साथ साथ चार और पीक्स जो हैं हिमालय की वो जो हैं फतेह की हैं। फिर से सेम क्वेश्चन है, आयुष वाटिका कैंपन के लिए हिमाचल प्रदेश में कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो आयुष वाटिका के लिए हिमाचल प्रदेश में 200 जो है स्कूलों का चयन किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कितनी यूनिट बिजली जो है फ्री दी जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट जो है बिजली फ्री दी जा रही है, और 300 यूनिट का जो वादा है वो कांग्रेस ने किया है कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो आपको 300 यूनिट बिजली जो है फ्री दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे में पहली बार HRTC का सफल परीक्षण जो है वो किया गया है? तो वो किया गया है शिंकुला पास में। हिमाचल प्रदेश राज्य ओलंपिक खेलों की मेजबानी किन जिलों में की जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश में ओलंपिक होगा, उसमें जो मेजबानी है ऊना और कांगड़ा दोनों में की जाएगी। आंसर है बोथ A एंड B। हिमाचल हेल्थ केयर योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष कितने का निःशुल्क इलाज जो है करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा 5 लाख रुपीज का। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट। किस जिले के स्थानीय अस्पताल को हाल ही में कायाकल्प अवार्ड जो है दिया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये किसे दिया गया है कायाकल्प का अवार्ड? तो ये दिया गया है आपके जो शहर कुल्लू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कायाकल्प अवार्ड। हिमाचल प्रदेश का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित है? तो विज्ञान केंद्र कहाँ पे है वो है आपका पालमपुर में। क्लियर है जी। विज्ञान केंद्र CCTNS, सी फॉर क्राइम, ठीक है क्राइम, नेक्स्ट सी फॉर क्रिमिनल, टी फॉर ट्रैकिंग, एन फॉर नेटवर्क, एस फॉर सिस्टम, ठीक है, की रैंकिंग में किस पुलिस स्टेशन को प्रथम स्थान दिया गया है? तो CCTNS
की जो रैंकिंग हुई है उसमें ढली जो कि शिमला में है इसे फर्स्ट जो है प्लेस जो है दिया गया है। तो आपसे CCTNS की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। किस जिले के स्थानीय अस्पताल को हाल ही में कायाकल्प अवार्ड 2020-21 दिया गया है? तो ये दिया गया है कुल्लू शहर के। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण योजना किस एजेंसी द्वारा समर्थित है? मतलब कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग से जो है हमारी क्या बनाई जाएँ फसलें जो है उगाई जाएँ उसके लिए जो है किस एजेंसी द्वारा समर्थन जो दिया गया है कि जिससे कि कैश क्रॉप्स जो हैं पैदा की जाएँ और कैश क्रॉप्स के बाद आपको अलग अलग फसलें जिससे कि आपकी भूमि की उपजाऊ क्षमता भी जो है बढ़ती रहेगी। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपके ADB के द्वारा, सॉरी जाइका के द्वारा, जाइका के द्वारा जो है ये काम जो है कार्य जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जल ही जीवन मिशन के अंतर्गत किस राज्य ने प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और किसकी हेल्प से ये काम हो रहा है जल जीवन मिशन? ADB की हेल्प से। ADB का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस कक्षा से सड़क सुरक्षा का अध्याय शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है सिक्स क्लास से सड़क सुरक्षा का नियम जो है पढ़ाया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या था इससे रिलेटेड कि गीता का सार जो है हिंदी और संस्कृत भाषा में 9th से 12th क्लास तक पढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का पहला ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे ओपन हुआ है? तो ये हुआ है शाहपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल उत्कृष्टता केंद्र जो खुला है वो वाकना घाट में खुला है, पालमपुर में जो विज्ञान केंद्र बना है, ढली जो है CCTNS जो है इसको फर्स्ट अवार्ड जो है मिला है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा पुलिस जिला किसे बनाया गया है? तो दूसरा पुलिस जिला जो है वो बनाया गया है नूरपुर को। हिक्किम जहां पर पहला पत्र पेटी की तरह दिखने वाला डाकघर बनाया गया है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है लाहौल स्पीति। और ये हिमाचल का सबसे हाईएस्ट पोलिंग जो है वो विलेज भी है, मतलब कि यहाँ पे पोलिंग नहीं है, टशीगंग हो गया है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर वाला विलेज यही है, सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा पेट्रोल पंप जो है वो हिक्की में है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है साथ में। और कौन से ज़िले में है? तो लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश में भागवत गीता किस कक्षा से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 9th से 12th तक। हिमाचल प्रदेश के किस जिले को क्षय रोग उन्मूलन के लिए सिल्वर मेडल जो है दिया गया, मतलब कि TB को जड़ से उखाड़ने के लिए मंडी जिले को ये अवार्ड दिया गया है? और हिमाचल का जो है वो कब तक क्षय रोग मुक्त हो जाएगा? 2023 तक जो है ये डिसीजन लिया गया है। हिमाचल को किस जिले में एशियन राफ्टिंग चैम्पियनशिप को पहली बार आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके किस जिले में? कुल्लू जिले में एशियन राफ्टिंग चैम्पियनशिप। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपके 8 जिलों को। नेक्स्ट आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कौन से समुदाय को हाल ही में ST का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है हाटी समुदाय को। उत्तराखंड में इनको पहले ही ST का दर्जा दे दिया गया था, इसी समुदाय के लोगों ने हमारे हिमाचल सरकार से निवेदन किया और इन्हें भी ST का दर्जा जो है मिल गया है। हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका मंडी में। एक्चुअल में क्या होगा कि हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अब दो बन जाएंगी और दूसरी यूनिवर्सिटी बनेगी मंडी, जिससे कि हमारे दूर दूर से आने वाले जो स्टूडेंट थे, जो कि बोल सकते हैं कांगड़ा से, कांगड़ा कुल्लू
चंबा और हमीरपुर, चंबा हमीरपुर और लाहौल स्पीति। तो ये इनके लिए जो है यहाँ पे जो कॉलेजेस होंगे अब इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑपरेट होंगे, जिससे कि लोगों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, और इससे पीजी क्लासेस की वैकेंसीज मतलब कि सीट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना कब शुरू हुई थी। तो ये स्टार्ट की गई थी आपकी कौन सी तारीख को, अक्टूबर 2018 को। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये दिया गया है आपकी ए ऑप्शन श्रेया को, और श्रेया जो है सुंदरनगर मंडी से हैं। तो रिया डोगरा को बनाया गया है योगा का ब्रांड एम्बेसडर। सीमा ठाकुर जो हैं उन्होंने बस ड्राइवर हैं चंडीगढ़ रोड पे, शिमला चंडीगढ़ रोड पे चलाती हैं बस, और श्रेया जो हैं इन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है, ये सुंदरनगर मंडी से हैं। 750 करोड़ रुपए की लागत से फार्मा पार्क किस जगह बनाया जा रहा है। तो फार्मा पार्क जो है वो नालागढ़ में बनाया जा रहा है। फार्मा पार्क आपका नालागढ़ में, विज्ञान केंद्र आपका पालमपुर में, और ड्रोन केंद्र जो है आपका कहाँ बनाया जा रहा है, शाहपुर में, और वाकना घाट में स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है। दालचीनी की खेती के लिए कौन सा पहला राज्य बना है, तो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है दालचीनी की खेती के लिए, ऊना डिस्ट्रिक्ट। रामपुर हेलीपोर्ट किस योजना के अंतर्गत बनाया गया है, तो ये बनाया गया है उड़ान योजना के अंतर्गत। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में मुफ्त मीटर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो मुफ्त मीटर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत। हिमाचल में मत्स्य क्षेत्र का पहला एका पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो मत्स्य क्षेत्र का जो पहला है वो कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, मंडी में। कुल्लू जिले के पीड़ी में कौन सी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप होगी, तो यहाँ पे कौन सी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है, तो यह है 8वीं। हिमाचल प्रदेश का पहला अटल विद्यालय किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ है, तो ये मंडी के मढ़ी में। और हमारी 68 विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में जो है अटल आदर्श विद्यालय जो है वो बनेंगे, और ये सारे के सारे बोर्डिंग स्कूल होंगे, और इनमें हाईएस्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे इंडोर मिलेगा आपको, डिजिटल स्टडी मिलेगी, ई लाइब्रेरी मिलेगी, लाइब्रेरी मिलेगी, तो ये सारी फैसिलिटीज इसमें मिलेंगी। तो सबसे पहला जो बनकर तैयार हो गया है वो है मड़ी। भेयर जुकारू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, तो ये सेलिब्रेटेड किया जाता है कहाँ पे, सेलिब्रेट किया जाता है ये पांगी वैली में, पांगी वैली में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और पांगी है चंबा में। और नेक्स्ट चलते हैं, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये है हिमाचल। और ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खुला है, वो शाहपुर कांगड़ा में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किन जिलों में 2 नए रेंज स्तरीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन जो है स्वीकृत किए हैं, तो ये किए गए हैं मंडी और आपके कुल्लू में, और तीसरा जो है वो कौन सा है यहाँ पे, शिमला। नेक्स्ट है आपके पास, हाल ही में 104 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जैसी राम का निधन हो गया है, और ये कौन से जिले से संबंधित रखते हैं, तो हमारी वीर भूमि जिसे कहा जाता है दैट इज योर कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश को कब तक टीवी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है आपका 2023 तक, और पहले टीवी मुक्त कौन सा हो गया है जिला, तो दैट इज योर मंडी। हाल ही में मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है वंशिका परमार ने, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो हैं हमीरपुर से। अच्छा, अब लड़कियों के बारे में बात करें तो सीमा ठाकुर बस ड्राइवर बन गई हैं, रिया डोगरा
ब्रांड एम्बेसडर है योगा की, और कमेंट में लिखें बाल पुरस्कार किसे मिला है। हिमाचल प्रदेश की ईशानी सिंह जम्बाल का संबंध किस जिले से है जिसने लद्दाख की माउंट कून चोटी फतेह की है? तो ये हैं कुल्लू जिले की, और यहाँ पे माउंट अली रतन टिब्बा भी है जहाँ पे सेनानी जो हैं घूमने आए थे और यहाँ पे गुम हो गए थे और फिर मिल गए हैं, माउंट अली टिब्बा। तो इस घाटी के बारे में पूछ सकते हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये दोनों ही कुल्लू में हैं और ईशानी सिंह जम्बाल भी कुल्लू से हैं। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस जिनको मैंने पढ़ाया है। आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे और समझ आ गए होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको मैंने पिक किया, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को कैच करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है एजिलाइट इंस्टीट्यूट। थैंक यू ऑल फॉर द लेक्चर।